नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो जी बिजनेस लगातार आपके जो सोच है उसको और पैनी कर रहा है और आपके जो पैसे हैं उसको ना केवल बचा रहा है बल्कि और बढ़ा भी रहा है। और यही इवेंट दर इवेंट आपको सामने मिल रहा है। यूएस इलेक्शंस होने वाले हैं और आपको पता है ठीक आज वोटिंग हो जाएगी, कल जब बाजार खुलेंगे तो यूएस में वोट गिर चुके होंगे। लेकिन ठीक उससे पहले दीपाली, जी बिजनेस की जो मुहिम है वो आपको पूरी तरह से तैयार कर देगी, क्योंकि आज दिन भर ना केवल बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का व्यू आपके सामने होगा बल्कि रिसर्च के जरिए भी हम आपको बताएंगे कौन से शेयर कौन से सेक्टर से आपको फायदा मिल सकता है। कि जो कंफ्यूजन है इन्वेस्टर्स के मन में कि अभी बाजार में करना क्या चाहिए, वो कंफ्यूजन हम दूर करेंगे और आपको बताएंगे कौन से शेयर्स हैं जो इस इवेंट के मद्देनजर आपको खरीदने हैं या फिर आपको बेचने हैं या फिर एज अ इन्वेस्टर आपकी ट्रेडर रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं एसजेक्स निफ्टी, जहां से संकेत आज शुरुआती कारोबार से पहले अच्छे मिल रहे हैं और एसजेक्स निफ्टी करीब 31 अंक बढ़कर ट्रेड कर रहा है। हालांकि एक आस्पेक्ट ये है कि ये खुला तो काफी ऊपर था लेकिन ऊपरी स्तरों पर ये होल्ड नहीं कर पाया और अब शायद 31 अंक ऊपर भले ही हो लेकिन दिन के निचले स्तरों पर है। तो शुरुआती स्ट्रेटेजी अभी क्या होनी चाहिए डिम्पी, क्या लग रहा है? बिल्कुल, पहले ग्लोबल संकेत समझ लेते हैं और उसके बाद हम फटाफट से समझ लेंगे कि आखिरकार कैसे इसमें ट्रेड करना चाहिए। लेकिन जो अभी तक के संकेत हैं वो ये तो कह रहे हैं कि मार्केट के अंदर आज एक सीमित दर रह सकता है, क्योंकि विदेशी बाजारों से अभी तक के जो संकेत हैं वो कुल मिला के पॉजिटिव हैं। हालांकि कुछ एक एशियन मार्केट्स अभी लाल निशान में आए हैं। अमेरिका में चुनाव से पहले एक सीमित दायरा रहेगा। ये चुनाव से पहले का मतलब सिर्फ आज का दिन, क्योंकि आज शाम को वहां पे वोट गिरना शुरू हो जाएंगे। कल जब हम भारतीय बाजार खुलेगा तब वोटिंग की प्रोसेस काफी हद तक कंप्लीट हो चुकी होगी, इसलिए आज का दिन सीमित दायरे का रहने वाला है। नतीजों का असर भी आज बाजार पर पूरी तरह से देखने को मिलेगा, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक का रिएक्शन आना बाकी है और BHEL और अशोक लेलैंड के नंबर्स पे भी बाजार अपने रिएक्शन देगा। और दोनों ही अपने अपने सेक्टर्स के, इनफैक्ट तीनों ही अपने अपने सेक्टर्स के चुनिंदा शेयर हैं। आज का जो निफ्टी का दायरा है वो कहीं भी आप 8450 रख सकते हैं, जो कल भी काफी तक मेंटेन हुआ था, और 8550 से 8560 तक की जो रेंज है ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। शायद बाजार आज के दिन इस रेंज को ना ब्रेक करें लेकिन रिएक्शन यानी कि वॉलिडिटी कल के सेशन के बाद से आपको ज्यादा आती हुई दिख सकती है। बिल्कुल, बैंकिंग स्टॉक्स पर नजर रखनी है, स्पेशली ICICI बैंक, आज आने वाले की अर्निंग जिनमें BHEL एक टर्न अराउंड हो सकता है, अशोक लेलैंड एक और नंबर, और IT पर जरूर नजर रखिए क्योंकि कॉग्निजेंट ने इस साल तीसरी बार अपने गाइडेंस को घटाया है और 9% के आसपास इस गाइडेंस को रखा है। लेकिन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि कई ऐसी ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स आ रही हैं जो कि इंडियन आईटी प्लेयर्स पर बेट कर रही हैं, वैल्यूएशंस उनको अट्रैक्टिव लग रही है। इस पर और बातचीत करेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले जो विदेशी बाजारों से क्यूज मिल रहे हैं उस पर ही फोकस कर लेते हैं। और संदीप मौजूद भी हमारे साथ न्यूज रूम से। संदीप, एक उछाल हमने कल भारतीय बाजारों में देखा, वो उछाल क्योंकि FBI की ओर से जो क्लीन चिट मिली उसका रिएक्शन आना बाकी था, तो शायद वो रिएक्शन कल US मार्केट्स में भी दिखा। लेकिन अभी जो कामकाज हुआ, जो कंसेंसस बिल्डअप हो रहा है उसे देखते हुए क्या लग रहा है, इस रिएक्शन को कैसे देख रहे हैं ट्रेडर्स? देखिए दीपाली, मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग था जब एशियन मार्केट्स खुले, एसजेक्स निफ्टी करीब 12% के आसपास ही मजबूती दिखा रहा था। लेकिन ये जो मोमेंटम है कल के मुकाबले एक तो कम है और ऊपरी स्तरों से कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिला, यानी कि जो मोमेंटम है वो धीरे धीरे फिजल आउट हो रहा है। कुछ एक एशियन मार्केट्स अगर आप देखें फ्लैट कारोबार कर रहे हैं तो फिर अब वहाँ पर लाल निशान के साथ कारोबार भी देखने को मिला और एसजेक्स निफ्टी भी ऊपरी स्तरों से थोड़ा जो दबाव है साफ तौर पर दिखा रहा है, क्योंकि कल जो FBI क्लीन चिट की बात आप कर रही हैं उस पर एशियन मार्केट्स और साथ ही साथ इंडियन मार्केट्स ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके हैं। और कल जो आपने US और यूरोपियन मार्केट्स में तेजी देखी 2.25% की, वो केवल उसी का एक रिएक्शन था जिसके ऊपर हम ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके हैं। लेकिन ये जो मोमेंटम डाई डाउन हो रहा है उसके पीछे वजह दरअसल ये है कि अब जो बड़ा इवेंट है उससे पहले जो अनसर्टेनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि क्लिंटन जरूर यहाँ पे जो नए पोल्स आए हैं उसके मुताबिक बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन अब भी क्या फैसला निकल के सामने आएगा, क्योंकि कुछ एक स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे काफ़ी नेक टू नेक मामला है। तो उस लिहाज से देखा जाए क्या फैसला निकल के सामने आएगा, तब तक अगर आप देखें एक कॉशियसनेस जो है वो जरूर बाजारों में देखने को मिलेगी। और हर हायर लेवल पर, भले ही आज का दिन बाकी है इलेक्शन में, हर हायर लेवल्स पे आपको जो ऊपरी स्तरों पे जो प्रेशर है वो साफ तौर पे देखने को मिलेगा और उसी के रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं एशियन मार्केट और एसजेक्स निफ्टी में साफ तौर पे विजिबल। और कल इसका इंपैक्ट हमने इंडियन मार्केट्स में भी देखा था, 8500 के नीचे की क्लोजिंग हमने इंडियन मार्केट्स में देखी थी। तो उस लिहाज से मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव है, बायस पॉजिटिव है एशियन मार्केट्स का, लेकिन हाँ ऊपरी स्तरों से जो मोमेंटम है उसमें धीरे धीरे थोड़ा जो प्रॉफिट बुकिंग के सिग्नल है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहे हैं। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि जो ओपनिंग है वो स्ट्रांग हो, लेकिन हाँ हर हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर इंडियन मार्केट्स में आज भी देखने को मिलेगी। ठीक है, देखने को मिल सकते हैं ग्लोबल के साथ कोरिलेट करने की इंडियन मार्केट्स की पूरी तरह से अब कोशिश हो रही है। और शुक्रिया संदीप आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कल जैसे ही संकेत आएंगे तो आपसे सबसे पहले हम ही जुड़ेंगे। और आप TS हरिहर इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरी, आप आज मार्केट के अंदर शायद ये चीज़ तो पूरी तरह से तय हो सकती है कि शायद हम सीमित दायरे में रहें, एक बार वोट गिर जाएं, क्योंकि अब तो इतने क्लोज आ गए, सिर्फ कुछ एक घंटों का डिफरेंस अब रह चुका है। लेकिन अगर आज किसी को एक ट्रेड लेना भी हो तो हेज कैसे करें? मान लीजिए किसी का बैंक हो तो हेज कैसे करें?
पहले बात तो हम पिछले कुछ दिनों से क्लाइंट्स को ये कह रहे हैं कि आप अपना पोजीशंस हेज करके रखिए। फ्रैंकली आई थिंक मैं मानता हूँ कि 8,425 8,500 के लेवल पे कोई डाउनसाइड हेजिंग करके मुझे ज्यादा मतलब तो नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, देयर इज एन आउटसाइड पॉसिबिलिटी दैट यदि ट्रंप आ गए तो आई थिंक द मार्केट्स कुड करेक्ट बाय अनदर 300-400 पॉइंट्स, बट इससे ज्यादा मुझे डाउनसाइड रिस्क तो नहीं दे रहा लग रहा है। तो आई थिंक एट दीज लेवल्स मुझे हेजिंग में कोई खास खास वजह दिखाई नहीं दे रही। आई डोंट थिंक देयर इज एनी पॉइंट in hedging at this levels of the market. लेकिन डिम्पी, अगर डेरिवेटिव डेटा को स्टडी करें तो क्या सेंस मिल रहा है इस बड़े इवेंट से पहले, ट्रेडर्स की मानसिकता क्या है? देखिए, कल का जो मार्केट का डाटा है वो अपने आप में थोड़ा कन्फ्यूजन वाला था। आप सिर्फ दो ही इंडाइसिस को हम आपके सामने रखेंगे, ऑप्शंस नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शंस का कोई मीनिंग रहेगा, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर आपको विंडफॉल गेन या विंडफॉल लॉस मिल सकता है। लेकिन अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का डाटा देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि जो ट्रेंड है वो शॉर्ट कवरिंग का है। और ये लगातार दो से तीन बार हम आपके सामने बात रख चुके हैं कि जब जब मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग रहेगी तब तब यही है कि लोग पोजीशंस को थोड़ा हल्का कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स जैसे एटीएस हरियर भी कह रहे थे कि हमने कई दिनों से कह रहे थे कि पोजीशंस को हल्का करें, ट्रेडर्स वो बात सुन रहे हैं और न केवल सुन रहे हैं बल्कि अपनी पोजीशंस को भी हल्का कर रहे हैं। इसलिए दोनों ही सेशन, दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी, आपको दोनों के अंदर शॉर्ट कवरिंग मिलेगी। और आप बैंक निफ्टी का डाटा देखिए, 7.5% से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट घटा है, यानी कि जिन्होंने कल या परसों की पोजीशंस थी, कल जो तेजी मार्केट के अंदर आई उन्होंने प्रॉफिट बुक करने की कोई मतलब रोका नहीं अपने आपको, बल्कि प्रॉफिट बुक किया, बल्कि जिनके पास शॉर्ट पोजीशन भी थी वो भी एक बार सिस्टम से बाहर आ गए हैं। तो इसलिए मार्केट पूरी तरह से अब तैयार हो रहा है सिर्फ इन्हीं दो डेरिवेटिव डाटा से। विक्स कल ज्यादा टूटा नहीं था, सिर्फ दो ही पॉइंट टूटा था, 2%। इनफैक्ट इसका मतलब यह भी समझ सकते हैं कि ट्रेडर्स पूरी तरह से तैयार है कि आने वाले दिनों में 10% वॉलिटिलिटी विक्स के अंदर मिल सकती है इन एनी हाउ। जैसे कि आप हैरी भी कह रहे हैं कि यहाँ पे 300 से 350 तक का पॉइंट का निफ्टी फॉल आ सकता है, इस हिसाब से विक्स कोई भी ट्रेड कर रहा है तो शायद ये इंडिकेटर भी बनता है कि बाजार के अंदर एक वॉलिटिलिटी का झटका तो जरूर लगेगा, वो आइदर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, और सिर्फ 200 पॉइंट की रेंज को ही आप अभी तक तो कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो वॉलिटिलिटी के लिए तो तैयार रहना चाहिए ट्रेडर्स को, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन एक टेक्निकल एक्सपर्ट भी अभी शो में है हमारे साथ, राजेश सतपुते हैं मनीलिशियस से, उनका व्यू भी ले लेते हैं। राजेश, गुड मॉर्निंग। अभी निफ्टी पर क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है आपकी, क्या दायरा आप देख रहे हैं अगले एक से दो दिनों में? देखिए, अगर आप टेक्निकली यहाँ पे देखें तो निफ्टी का जो सपोर्ट बनता है वो है 8390, विच इज़ नथिंग बट इट्स 200 डीएमएल लेवल, वेटेड मूविंग एवरेज है 200 वेटेड मूविंग एवरेज 2395 का, एंड 8400 का जो लेवल है दैट इज़ नथिंग बट दैट शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन सपोर्ट, एक फॉलिंग चैनल है जिसका ये सपोर्ट बनता है। तब भी हम लोगों ने एक कॉन्ट्रा कॉल लिया था कि यहाँ से टेक्निकली पुल बैक आएगा, पुल बैक का हमारा जो टारगेट है दैट इज़ 8600-8620। देखिए, कल की जो बात है, कल हमने जो पुलबैक देखा, गैप अप देखा, उसमें हमने देखा 8400 और 8500 का जो कॉल है उसमें अनवाइंडिंग देखा रफली 2,50,000 शेयर ईच, और सामने जो पुट राइटिंग देखी थी वो थी 8300 और 8500 में रफली 3.5 लाख शेयर राइटिंग हुआ है। तो मुझे क्या लगता है कि सामने जो शॉर्ट जिन्होंने एग्रेसिव शॉर्ट किया था इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए, सामने रखते हुए, तो उसके सामने मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो डिम्पी भी कह रहे थे कि शॉर्ट अनवाइंड होगा। और एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि यहाँ पे निफ्टी जो है, अगर प्योरली फ्यूचर्स की बात करें तो हमें निफ्टी फ्यूचर्स सिर्फ लॉन्ग की तरफ फिलहाल के लिए सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है यहाँ पे वंस द न्यूज़ विल बी आउट, यहाँ पे लॉन्ग फिर से क्रिएट होगा और शॉर्ट अनवाइंड होता रहेगा। तो यहाँ पे निफ्टी लॉन्ग करिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 8450 और जो टारगेट है वो रहेगा 8620। ठीक है हैरी, अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि फार्मा, आईटी, टेक्सटाइल और कुछ हद तक ऑटो एंसिलरीज यूएस इलेक्शन से पूरी तरह से प्रभावित होंगी। इसलिए हम आपको फेड युक्त और फेड मुक्त शेयर दोनों अभी थोड़ी देर में आपको बता देंगे कि किस में सबसे ज़्यादा फेड का असर पड़ेगा और कौन से ऐसे शेयर हैं जिसका फेड से कोई लेना देना नहीं, यानी कि यूएस इलेक्शन से कुछ खास लेना देना नहीं होगा, तो ये हम आपके सामने भी रख देंगे। लेकिन फिर भी आपके लिस्ट में मैं देख रहा था कि आपने आईटीसी सजेस्ट किया है, कुछ खास वजह आईटीसी को चुनने की? नहीं, दो तीन कारण हैं आईटीसी चुनने के लिए। आई थिंक पहले बात तो यह है कि आईटीसी एक प्योर एक सब्सटैंशियल डोमेस्टिक प्ले है और एक डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी है, जो चाहे दुनिया में जो भी हो जाए आईटीसी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा आप यदि जीएसटी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उम्मीद की जा रही थी कि शायद से सिगरेट्स पे जो जीएसटी है वो एग्जिस्टिंग रेट से बढ़ाया जाएगा, पर आई थिंक जिस तरह से जीएसटी का स्लैब आया है मैं समझता हूँ कि 28% पीक रेट लगाया जाएगा
उसके ऊपर एक एडिशनल सेस रहेगा टू पुट इट एट पैरिटी. तो जो उम्मीद की जा रही थी कि शायद जीएसटी रेट बढ़ाया जाएगा, आई थिंक दैट इज नॉट हैपनिंग. जहां तक फूड्स बिजनेस का सवाल है, आई थिंक द कंपनी विल सी अ स्लाइट फॉल एज फार एज द जीएसटी रेट्स आर कंसर्न. तो आई थिंक ये जीएसटी रेट लीजिए, कंजम्पशन स्टोरी लीजिए, ये सब देखे मुझे आईटीसी काफी अच्छा लग रहा है लेवल्स पे. जी, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है आज राजेश? दो या तीन ट्रेड जो आपने पिक किए हों इंट्राडे के लिहाज से? देखिए, मुझे लगता है सीमेंस इज़ अ कॉन्ट्रा कॉल. यहाँ पे सीमेंस हम देखते थे कि रफली 1250 और 1300 के रेंज से करेक्ट हुआ है. कल 1108 का इसका क्लोजिंग है, सो वन कैन गो लॉन्ग इन सीमेंस विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1095. टारगेट रहेगा 1165 का. सेकंड कॉल रहेगा हिंदुस्तान लीवर. हरी ने आईटी से पकड़ लिया तो मैंने हिंदुस्तान लीवर पकड़ लिया. मुझे लगता है कि दीज आर द काउंटर जिसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, भला यूएस में कुछ भी हो जाए. सो लीवर इज़ अ कॉन्ट्रा कॉल जहाँ पे बाय करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 827 और टारगेट रहेगा 854. एंड आउट ऑफ आईटी मुझे लगता है कि आईटी काउंटर्स ओवरसोल्ड है, जैसे कि विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस लिटिल बिट फैक्टर्ड इन है. तो यहाँ पे कॉन्ट्रा में मुझे लेना है टाटा इलेक्सी पे. मुझे लगता है टाटा इलेक्सी में करेक्शन ओवर हो चुका है. रफली 2200-2300 का भाव था और वो करेक्ट होके 1220-1230 में मिल रहा है. सो इट्स अ गुड लेवल टू गो लॉन्ग एज फार एज द कॉन्ट्रा इज कंसर्न. और स्टॉप लॉस रखिए 1200 का और इसका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 1340 का. ठीक है, तो ये ट्रेड आपके सामने मिल चुके हैं. उम्मीद करते हैं लेवल्स भी आप नोट ही कर रहे हो.